हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा साहब और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हुंडई की एक्सर एस एक्स वेरियंट। हम लोग आज इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस गाड़ी के डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो लेंथ की मैं बात करूँ दोस्तों इस गाड़ी की, तो 3815 mm लेंथ मिल जाता है और दोस्तों उसी के साथ हाइट अपने को मिलता है 1631 mm। और इस गाड़ी की वीथ दोस्तों 1710 mm, और इसमें अच्छा व्हील बेस मिल जाता है जो कि 2450 mm व्हील बेस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लीयरेंस की मैं बात करूँ दोस्तों 185 mm ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में अपने को क्या क्या मिलता है जानते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ पर मिलेगा हुंडई का लोगो जो कि सिल्वर में देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोमिनेंट एक्सटर का फ्रंट ब्रांडिंग। तो आपको यहाँ पर पैरामेट्रिक पैटर्न में ग्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा यूनिक डिज़ाइन है, और उसके नीचे में आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे में अपने को देखने को मिलता है इंजन में हवा जाने के लिए कुछ गैप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोल्ड एंड स्पोर्टी स्किड प्लेट जो कि सिल्वर में आता है। अब जानते हैं इस गाड़ी की लाइट्स के बारे में। आपको यहाँ पर मिल जाता है सिग्नेचर एच LED DRLs के साथ, और उसके नीचे में मिलता है आपको प्रोजेक्टर फंक्शन हेडलैम्प जो कि यहाँ पर कुछ क्रोम का यूज हुआ देखने को अपने को मिल जाता है। वारबेम्स की बात करें तो बॉडी कलर में आपको वारबेम्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बॉडी कलर में हैंडल देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का हुंडई एक्स्ट्रा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्पोर्टी ब्रिज टाइप रूफ रेयर देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो आपको 39 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है यहाँ पर, और उसके ऊपर में अपने को देखने को मिल जाता है पियानो ब्लैक के साथ कुछ डिज़ाइन जो कि हनी शेप में अपने को देखने को मिलता है। इस गाड़ी के टायर की मैं बात करूँ तो 175/65 R15 का डायमंड कर्स एलाइवल के साथ अपने को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर चार्टोनट और हुंडई के लोगो देखने को मिल जाता है। हुंडई के लोगो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आपको पियानो ब्लैक के साथ शार्प इन एंटीना देखने को मिल जाता है। उसके नीचे हम देखें तो स्पोर्टी एंड डायनामिक रियर स्पॉयलर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी गजब का दिखता है। उसके नीचे में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। फिर अपने को मिल जाता है रियर में वाइपर और डिफोगर जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी में अपने को वाइपर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अपने को हुंडई के लोगो देखने को मिल जाता है। पैरामेट्रिक पैटर्न गार्निश एंड टेलगेट देखने को मिल जाता है। उसके नीचे में अपने को रियर व्यू कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगा हुआ देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर में अपने को लाइट देखने को मिलता है जो कि नंबर प्लेट को दिखाता है। यहाँ पर रियर व्यू सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बोल्ड स्किड प्लेट देखने को मिल जाता है जो कि सिल्वर में और ब्लैक के साथ मिलता है। SX का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अपने को सिग्नेचर एच LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी में अपने को 391 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इस गाड़ी के लिए है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का अपने को बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अपने को मिलता है पार्सल ट्रे जो कि कुछ सामान कैरी कर सकते हैं इसके ऊपर में। अच्छा क्वालिटी का पार्सल ट्रे अपने को देखने को मिलता है। और दोस्तों, आइए दिखाता हूँ इस गाड़ी का स्टेपनी टायर अपने को कहाँ देखने को मिलता है, जो कि बूट के नीचे में अपने को स्टेपनी टायर देखने को मिलता है और कुछ टूल्स अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का कुछ। तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और जानते हैं अपने को इंटीरियर में अपने को क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डोर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं डोर कुछ इस प्रकार का ओपन होता है। 90 डिग्री तो ओपन नहीं हो पाता है पंच जैसे, लेकिन काफ़ी अच्छा डोर ओपन हो जाता है। तो देखते हैं डोर में क्या क्या अपने को मिलता है। यहाँ पर ब्लैक के साथ हैंडल डोर बार देखने को मिलता है, और यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलता है, RPMs कंट्रोल और पावर विंडो का कंट्रोल्स। यहाँ पर अपने को बॉटल होल्डर मिलता है देखने के लिए, और यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है। और कुछ इस प्रकार का गाड़ी का इंटीरियर रहने वाला है ऑल ओवर ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पर अपने को सीट एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार का सीट एडजस्ट अपने को करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और उसके नीचे में यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स ट्रैक्शन कंट्रोल व्यू
लाइट अप पार्टी पर का ऑप्शन, कुछ ऐसे वेंट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। इस गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील्स की मैं बात करूँ तो अपने को पावर स्टेयरिंग में स्टेयरिंग व्हील्स देखने को मिलता है, हुंडई के लोगो, और इस तरफ अपने को मिलता है ब्लूटूथ फंक्शन का बटन्स। इस तरफ मिल जाता है अपने को क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन जो कि कुछ इस प्रकार का अपने को मिलता है। और दोस्तों इस गाड़ी में i20 का म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा दिया गया है जो कि ब्लू असिस्टेंट के साथ अपने को म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। एसी वेंट्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है, एसी का कंट्रोल्स है सब चीज़। और उसके नीचे में अपने को 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वायरलेस चार्जर काम आता है और करता है। और इसमें आपको मिल जाता है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स और कुछ स्पेस कप होल्डर और यहाँ पर गेप और पीछे का एसी हैंड ब्रेक्स ऐसा मिलता है इसमें। इसमें आपको हार्ट टच डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि i20 का डैशबोर्ड इसमें लगाया गया है। एसी इवेंट्स कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड अपने को इसमें देखने को मिलता है। IRBM की मैं बात करूँ तो इस प्रकार का IRBM देखने को मिल जाता है। उससे पहले देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर डैश कैम लगा हुआ है। इस गाड़ी में अपने को डैश कैम देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है हुंडई की एक्सटर की तरफ से। सनरूफ देखें तो कुछ इस प्रकार का इसमें सनरूफ अपने को देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा गैप के साथ अपने को सनरूफ इसमें देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका सनरूफ है। ब्लू असिस्टेंट के साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि एक साइड RPM एक साइड स्पीड दिखाता है और बीच में कुछ कंट्रोल दिखाता है, डिस्टेंस और फ्यूल वगैरह दिखाता है जो कि कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। रियर में अपने को क्या क्या मिलता है जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर AC वेंट्स देखने को मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पर मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। दोस्तों सीट की मैं बात करूँ तो अच्छा क्वालिटी का सीट मिल जाता है और 2 यहाँ पर हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है और कुछ इस प्रकार का रियर का व्यू देखने को अपने को मिल जाता है। चलिए जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में और सबसे पहले हम लोग बूट ओपन कर लेते हैं और जानते हैं इंजन के बारे में। दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को 1.2 लीटर का 1200 cc का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि आपको 83 BHP की पावर जनरेट करती है और उसी के साथ 113 Nm टॉर्क जनरेट करती है। 4 सिलेंडर 4 वाल्व का यह इंजन आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी की माइलेज की मैं बात करूँ तो दोस्तों आपको 19 से 20 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज अपने को मिल जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।